सो वेल। और अगर आप भी भाई आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से अपने 10th and 12th क्लास के एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान बोर्ड ने अभी तक प्रॉपर आपका ना ही मार्किंग स्कीम जारी की है, प्रॉपर ब्लूप्रिंट जारी किया है, ना ही सैंपल पेपर वगैरह भी आपको उतने क्लियरली देखने को राजस्थान बोर्ड के नहीं दिखेंगे। आज जो है आप लोगों के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है जिसमें इसका रीजन आपको पता चलेगा, और जो राजस्थान बोर्ड है आपके परीक्षाओं से पहले पैटर्न में कुछ चेंजेस कर रहा है जो कि पहली बार आप लोगों के होंगे, और वो सब चीजों को अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड निकल के आ रही है, पूरा विद प्रूफ करेंगे, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई साहब ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसको दबा जरूर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दीजिए भाई रीति रिवाज के अनुसार, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक अपडेट की मिलती रहे एग्जाम्स के पहले भी और एग्जाम्स के बाद तक। ठीक है, बढ़ते अपनी न्यूज में, क्या है आपकी न्यूज। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये आपको आज के लेटेस्ट पेपर में इस चीज के बारे में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपन विस्तार समझते हैं हर एक पॉइंट को। सीबीएसई और आरबीएससी की 10वीं 12वीं की परीक्षा, सीबीएसई आपको पता होगा सेंट्रल बोर्ड है, आरबीएससी पता है अपना भाई साहब राजस्थान बोर्ड है जहां पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं 10th and 12th की। व्यवसायिक शिक्षा और योग्यता आधारित प्रश्नों पर जोर दिया जाएगा, ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाला है राजस्थान बोर्ड। आगे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2023-24 की 10वीं 12वीं की सालाना परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई के मल्टीपल च्वाइस और योग्यता आधारित प्रश्नों में बढ़ोतरी की जाएगी। वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा में पहली बार बैंकिंग, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग एवं कंस्ट्रक्शन कोर्स की परीक्षा कराएगा। नए कोर्स और पेपर पैटर्न में बदलाव के उद्देश्य विद्यार्थियों को रटने की परंपरा से दूर कर रचनात्मक कौशल उद्यमिता से जोड़कर रोजगार के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट हमारा राजस्थान बोर्ड करने वाला है। 10th क्लास में ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, बाकी इसके लिए प्रॉपर पूरा बनाया जाएगा कि सत्र से लागू करना है नहीं करना है, वो चीजें अभी आने की, लेकिन ये कुछ इस तरीके से चीजें कर रहा है। दैट्स वाई रीजन ये है कि आप लोगों के ब्लूप्रिंट वगैरह भी जल्दी से जारी नहीं हो रहे हैं, सैंपल पेपर भी जारी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा अगर ये सब चीजों में एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है तो उसका बड़े रीजन ये भी हो सकता है। एक इसमें बेसिकली क्या है कि आपका बैंकिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, इन सब चीजों के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, जिससे आपका रटने वगैरह की जो समस्या है वो आपकी थोड़ी कम होगी, आपको समझाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें करने वाला है। ठीक है, बाकी अगर सीबीएसई का पेपर पैटर्न समझते हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है, क्या आरबीएससी करने वाला है, तो उसके ऊपर भी कुछ खबरें हैं। जो सीबीएसई का नया पैटर्न उसमें क्या है, ठीक है, 10वीं कक्षा की बात कर रहा हूं, एमसीक्यूज केस आधारित एकीकृत प्रश्न 50% होंगे, मतलब 50% आपके एमसीक्यूज होंगे, प्रतिक्रिया प्रकार के प्रश्न 20%, निर्मित प्रक्रिया के आपके 30%, मतलब 50-20-30 का रूल यहां पे आप लोगों का होने वाला है। ये आपका कुछ इसका मतलब 10th क्लास का आपका सीबीएसई का पैटर्न है, इसमें से कुछ चेंजेस करके आरबीएससी आपको बता सकता है। 12वीं कक्षा की बात करें तो एमसीक्यूज आपका यहाँ पे जो है 40% होने वाला है, प्रतिक्रिया प्रकार के प्रश्न मतलब 20%, निर्मित प्रतिक्रिया के आपके 40%, ये कुछ होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना जो है जारी भी किया है 10वीं वालों के लिए, पर ये किस से आने वाला है वो थोड़ा कन्फ्यूजन का विषय है। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा में परंपरागत बनाने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 नए विषयों का समावेश किया है। अगले वर्ष 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को पहली बार इन नए पाठ्यक्रमों की परीक्षा देने का लिए 12वीं के स्थान पर 15 विकल्प मौजूद रहेंगे। यह पाठ्यक्रम 9वीं कक्षा से ही लागू हो चुके होंगे। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के लिए जारी करने वाला है, और इस बार भी कुछ पैटर्न में इस टाइप के आपको चीजें देखने को मिल सकती। बाकी ये जो है ऊपरी ऊपरी न्यूज निकल के आ रही है भाई साहब, इसका जो फाइनलाइज है वो हमारा राजस्थान बोर्ड प्रॉपर आप लोगों को बताएगा। आई थिंक जो आपका ब्लू प्रिंट और सैंपल पेपर का जो लेट लतीफ चीजें देखने को मिल रही है, इसके पीछे ये रीजन एक आप हो सकता है। बाकी अभी इसके लिए प्रॉपर कुछ चीजें आती तो आपको भाई बता दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है भाई। सब्सक्राइब अगर आपने कर लियो ना तो आपको छोटी से छोटी चीजें कुछ भी हमारे पास अपडेट आती आपके तक पहुंचा दी जाती, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि आपको साल भर हर एक अपडेट मिलती रहे।